देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल और उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस से डर लगता है, इसीलिए एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, और अब अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसे डराने धमकाने के तरीके से उपयोग करती है। अगर आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए ना, आज सारे केस उनके खिलाफ खत्म हो जाएंगे, जैसे अजीत पवार के केस खत्म हो गए, जैसे छगन भुजबल के केस खत्म हो गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी के केस खत्म हो गए, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा के केस खत्म हो गए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम उनकी ईडी सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं है। आज इंडिया अलायंस की बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक है, कैसे अलायंस को आगे बढ़ाना है, कैसे सीट्स को शेयर करना है, इस पे चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है।